ज्वालानगर में सिलेंडर ब्लास्ट के कारण हुआ भीषण हादसा, चपेट में आए 4 बच्चे समेत 8 लोग, 3 महिला और 1 पुरुष भी हुए घायल। गीता कॉलोनी में पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया बदमाश, बेलनो कार और कट्टे के साथ हुआ बरामद, कार मुखर्जी नगर थाने से की थी चोरी। गीता कॉलोनी में मोबाइल स्नैचिंग कर भाग रहे आरोपी को किया गया गिरफ्तार, 3 मोबाइल किए गए बरामद, 1 आरोपी पर पहले से चल रहे हैं कई मुकदमे। पूर्वी दिल्ली के गगन बिहार में बीजेपी जिला दफ्तर की हुई बैठक, सदस्यता अभियान पर हुई चर्चा, अभियान की तैयारी। और आनंद बिहार में 15 दिनों से अधर में लटका है निर्माण कार्य, सड़क टूटे होने से लोगों को उठानी पड़ रही है तमाम दिक्कतें, सड़क टूटे होने से होते हादसे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में आग लगने से कई लोग झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि आग एलपीजी सिलेंडर से लीकेज की वजह से लगी। दरअसल ज्वालानगर इलाके में एक परिवार किराए के मकान में रहता है, सुबह के वक्त जब खाना बनाया जा रहा था उस समय यहाँ अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से लगी कि पैली की दरवाजे के पास रखे कूलर को भी उसने अपनी चपेट में ले लिया। कमरे के दरवाजे पर लगी वजह से लोग बाहर नहीं निकल सके और 8 लोग झुलस गए, जिनमें से 3 बच्चे हैं और महिलाएं और 1 पुरुष भी शामिल है। सभी घायलों का इलाज जीटीबी अस्पताल में चल रहा है। आग में झुलसे हुए कुछ लोगों की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है, उन्हें वर्न वार्ड में रखा गया है और उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। 7 लोग जले हैं सर, जिसमें से 3-4 बच्चे हैं, 3 बड़े बड़े लोग हैं, जिसमें से 1 जेंट्स है, 2 लेडीज है। दिल्ली की सड़कों पर शुक्रवार की रात पुलिस का पैरा काफी सख्त दिखाई दिया। दिल्ली पुलिस के अफसर गश्त पर होने की वजह से जगह जगह बैरिकेडिंग और चौराहों पर पुलिस की तैनाती देखी गई। शुक्रवार को खुद दिल्ली पुलिस के मुखिया पुलिस कमिश्नर अमूल पटनायक गश्त पर निकले थे। इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी में भी चेकिंग चल रही थी। चेकिंग के दौरान एक बैलोनो गाड़ी आती है, उसे चेक करने के लिए रोका जाता है। उसमें से एक बदमाश पकड़ा जाता है, जिससे एक कट्टा बरामद होता है। उससे पूछताछ की जाती है तो बैलोनो गाड़ी चोरी की निकलती है। बैलोनो गाड़ी मुखर्जी नगर थाने से चोरी की गई है। पूर्वी दिल्ली के थाना गीता कॉलोनी इलाके में शनिवार सुबह मोबाइल चोर एक फोन लेकर फरार हो गए, जिसमें एक चोर पकड़ा गया था और दूसरा फरार हो गया। फिर शनिवार शाम को अपाचे बाइक पर सवार होकर बदमाश मोबाइल फोन छीनकर भाग रहे थे। तभी गीता कॉलोनी 7 ब्लॉक से पेट्रोलिंग कर रहे हेड कांस्टेबल कपिल कांस्टेबल विकास को शक हुआ और अपाची चला रहे बाइक वालों को रोका, पूछताछ की तो उसने के पास से 3 फोन मिले। एक दिन में 2 वारदात सुबह जो फोन लेकर भाग कर जा रहे थे उनको पब्लिक ने पकड़कर, शाम को जो फोन लेकर फरार हुए उनको पुलिस ने पकड़ा और जो शाम के टाइम फोन स्नैचिंग करके भाग रहे थे उन पर कई मुकदमे दर्ज पहले से ही हैं। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुट गई है। पूर्वी दिल्ली के गगन बिहार के बीजेपी शाहदरा जिला कार्यालय में बैठक हुई। इसमें सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की गई। बीजेपी नेताओं ने कहा कि 6 जुलाई से सदस्यता अभियान जोर शोर से चलाया जाएगा। सभी वर्गों के लोगों को प्राथमिक सदस्य बनाया जाएगा। 50 प्राथमिक सदस्य बनाने वाले कार्यकर्ता को सक्रिय सदस्य फॉर्म मिलेगा। उद्देश्य ये रहा है कि संगठन पर्व जो है हमारा प्रारंभ हो चुका है। पूरे राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान प्रारंभ हो चुका है। उसके बाद सक्रिय सदस्य बनेंगे और उसके बाद मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्र का चुनाव हमारा होगा। एक पूरा एक प्रोसेस है जो 6 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है। उसी कड़ी में हमने आज यहाँ बैठक बुलाकर सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई और सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि अपने अपने बूथों पर सदस्य बनाएं, जिससे पार्टी का विस्तार हो और पार्टी जो आने वाला जो चुनाव है, खासकर जिन 4 राज्यों में चुनाव है, दिल्ली में भी चुनाव है, वहाँ पर जो है निश्चित रूप से पार्टी जीतेगी। इस अभियान के माध्यम से हम हर वर्ग तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। अभी से हम लोग जाएंगे कभी मॉल पे, कहीं इधर लोगों के घर में जाएंगे, एक एक घर में जाके एक एक वोटर को अपना उद्देश्य समझाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का क्या उद्देश्य है। ये सिर्फ देश के लिए काम करती है, ऐसे नहीं करती। तो अपने हर एक काम, मोदी जी की घोषणाएं,
उनके किए हुए काम बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम उसमें अपने सदस्यता अभियान में जोड़ेंगे। आज हमारे सदस्यता अभियान का श्री गणेश हुआ है, जिस तरह से 6 तारीख को मोदी जी इसको श्री गणेश करेंगे, लेकिन आज हमने जिले में शाहदरा जिला में बैठक के माध्यम से अपने सारे मेन कार्यकर्ता जो हैं उनको एक फोल्डर दिया गया, उसमें सारा बताया गया कि किस तरह से, जैसे भाई सबके पास ये फोल्डर है, इसमें सारा बताया गया कि किस तरह से हमें अपने सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाना है। जो 2015 में सदस्य बने थे जिन्होंने मिस कॉल की थी, उनको हमें बूथ के ऊपर जा करके उनका डाटा कलेक्ट करना है और नए लोगों को मिस कॉल करवानी है। और मोदी की जो काम है, जो देश के अंदर मोदी जी ने जो काम किए हैं, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे और अन्य मतलब आयुष्मान भारत की योजना की बात हो, जैसे दिल्ली में मोदी जी ने उन्होंने लागू नहीं करने दी केजरीवाल जी ने, तो ये सारे काम को हम बताएंगे और सदस्य भी बनाएंगे। ये तो हम हर 3 साल में करते आ रहे हैं और अब इसको 20% और हमें बढ़ाना है। पूर्व दिल्ली के बीजेपी नेताओं ने दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की मीटिंग पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि मीटिंग के दौरान आगे की रणनीति तैयार की गई। दिल्ली सरकार आयुष्मान योजना लागू नहीं कर रही है, दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू कराने को लेकर भी चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना उसको भी लागू नहीं होने दिया है और वो उसको कह देते हैं कि CM आवास योजना, CM आयुष्मान योजना। तो जब हमारे विधायकों ने पूछा कि आप कुछ तो बताइए ना, वो कागज़ कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि कागज़ वगैरह कुछ नहीं है, हम इस स्कीम को बना रहे हैं, 5 साल होने जा रहे हैं, अभी कोई स्कीम नहीं बनी। लेकिन मोदी जी की योजनाओं को, केंद्र सरकार की योजनाओं को हम लागू नहीं करेंगे, ऐसा केजरीवाल। हाँ, केजरीवाल जी को एक समझ आ गई, ये जो अभी लोकसभा में पिटाई हुई है उनकी, अब उनको समझ आ गया कि मोदी के ऊपर हमला करना कितना भयानक होगा मेरे लिए। अब वो कभी जाते हैं राजनाथ जी के पास, कभी जाते हैं गृह मंत्री के पास, कभी जाते हैं वो मोदी जी के पास कि जी हमें समय दे दो। मेरा ये कहना है कि कल हमारी जो वहाँ बातचीत हुई है, उसमें एक बड़ी बात ये हुई है कि हमको जो 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव वो फोकस था, उस पर हमारा पूरा केंद्र बिंदु हमारा उस पर था, क्योंकि निश्चित रूप से हम अभी से तैयारी में लग गए हैं। देखिए, प्रदेश की कार्यकारिणी हर 3 महीने पर हुआ करती है और चुनाव जीतने के बाद, दिल्ली की 7 पार्लियामेंट की सीटें जीतने के बाद ये पहली बैठक थी, तो इसलिए में जोश और उत्साह कुछ ज़्यादा था। लेकिन हम जोश और उत्साह में खोने वाली पार्टी नहीं है, आगामी योजना सोचते हैं। हमारे यहाँ पे एक सघन सदस्यता अभियान, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाने का अभियान शुरू हो रहा है 6 जुलाई से, उसकी तैयारी को समर्पित हुई ये बैठक। पहले सभी का जीत का उत्साह, जनता का धन्यवाद, और उसी जनता को धन्यवाद करते हुए जिन्होंने हमें वोट दिया, अब प्रत्याशी संख्या में वोट दिया, उन सबको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम उनको भाजपा का सदस्य बनाने से शुरू होगा। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार DDA फ्लैट्स के सामने की रोड पिछले काफी समय से जर्जर हालत में पड़ी है। रोड टूटी होने की वजह से अक्सर यहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या और राहगीर चोटिल हो जाते हैं। यहाँ से हर रोज गुजरने वाले हजारों लोगों को धूल मिट्टी के अलावा गड्ढों से जूझना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने लोगों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया, सड़कों को दुरुस्त करने के लिए इसको तोड़ा भी गया, लेकिन पिछले करीब 15 से 20 दिन तक निर्माण कार्य अधर में लटका रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कों के गड्ढे हादसे का सबब बन रहे हैं, बावजूद इसके प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। नालियां तोड़ दी गई, उसके बाद में नाली तोड़कर रिपेयर करी गई, अभी रिपेयर हुई हैं, बनी हैं ये दोबारा नई है ना, उसके बाद वो भी टूटनी शुरू हो चुकी हैं नालियां भी दोबारा से, मतलब इसका मतलब मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं यूज़ किया गया। सड़कें हो गए 10-12 दिन, इसको अननेसरी तोड़ा गया, पहले टूटने की कंडीशन में नहीं थी, इनको तोड़ा गया और उसको तोड़कर दोबारा से यहाँ से लेके पूरा DDA फ्लैट का इतना हिस्सा तोड़ दिया गया और उसके बाद में अब दोबारा से रोड़ी डाल दी गई, जिसको डले हुए 6 दिन आज हो गए और अभी भी प्रोजेक्टेड है कि 4-5 दिन लग जाएंगे इसके अंदर। समस्या है जी, पैदल चलने वाले, बच्चे चलने वाले साइकिल नहीं निकाल सकते, पैदल बच्चे खेल नहीं सकते, पैदल बच्चे चल नहीं सकते, यहाँ लोग बाग घर से छोटे छोटे कमरों के मकान हैं, इनके निकल कर बाहर बेंच पे बैठ जाते थे, वो नहीं बैठ पा रहे, बहुत परेशानी है यहाँ पर बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए। सर, लास्ट 9 डेज से मैं देखो कैसे आ रहा हूँ और यहाँ पर 3 बंदे पहले गिर चुके हैं, तो यहाँ पर करीब 3 बंदे ऐसे असमर्थ हैं जो कब गिर जाएँ कोई पता नहीं, एक बंदा ऊपर रहता बिल्कुल नहीं आ पाता, हम कैसे स्टिक लगाते हैं आई नो दैट सो यू नो वेरी वेल। तो यहाँ पे कोई गिर भी चुके हैं लोग? सर बिल्कुल गिर चुके हैं, मैं तो उन्हें बुला लूँ कि ऊपर रहते हैं, कहते कैसे आए आपको डू आई नहीं पर तोड़ने के लिए तो आधे घंटे में तोड़ ताड़ के चल दिए और बनाने के लिए दिखता ही नहीं है कोई, ना जाना मतलब चला नहीं जाता इस पे, गिरने को हो जाते हैं, कितने दिनों के काम, कभी बंद हो जा कभी आ जा काम पे, कभी नहीं आते, ऐसा ही है। और आधी सड़कें बना रहे और आधी नहीं बना रहे।
कहते हैं रक्तदान महादान है, रक्तदान से कई लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सकता है। इसी को देखते हुए पूर्वी दिल्ली के कृष्णनगर के एक अस्पताल में डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेट किया गया, जहां पर हर तरह के लोग आए और उन्होंने ब्लड को डोनेट किया। इस मौके पर IMADB की प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर कुमार गांधी, डॉक्टर नीलू गुप्ता, डॉक्टर वीना गुप्ता और ACP विवेक बिहार के भी वहां पर आए और उन्होंने आकर ब्लड डोनेट किया। डॉक्टर गांधी का कहना है कि ब्लड डोनेट हम लोगों को ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमारी सोसाइटी में एक अच्छा संदेश जाता है। ब्लड डोनेट करने के में से कोई बीमारी नहीं होती है। लोगों ने कैंप में आके रजिस्ट्रेशन भी कराए हैं और लगभग 44 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और 38 कलेक्शंस भी हैं। ब्लड डोनेशन एक अच्छी चीज़ होती है, ये करने से कभी भी जो ब्लड दे रहा होता है उसको कभी कोई बीमारी नहीं होती है, इससे ब्लड लॉस भी नहीं कहा जाएगा, आपकी हीमोग्लोबिन की कमियाँ और कोई कमी भी नहीं आती। ब्लड डोनेशन 3 महीने में एक बार किया जा सकता है, जिससे किसी और की जान बचाई जा सकती है। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी ब्लॉक 13 इलाके में एक शख्स ने डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर ली है। मृतक की पहचान सुखदयाल, जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पहुंची पुलिस को शव के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। सुखदयाल स्कूल वैन चलाने का काम करता था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिवार से पूछताछ कर मामले की जाँच कर रही है। पूर्वी दिल्ली के कांग्रेस नेताओं, ब्लॉक अध्यक्षों को हटाने के शीला के फैसले पर चाकू ने रोक लगा दी है। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में सीनियर नेताओं को मिलकर पार्टी के समक्ष फैसले लेने चाहिए। ब्लॉक अध्यक्षों ने लोकसभा चुनाव में काफी मेहनत की थी, उन्हें हार का जिम्मेदार मानना ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी ने लोकसभा चुनाव के बाद अपना अध्यक्ष पद से इस्तीफा जो दिया था, उसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर विभिन्न संगठन जो हमारे हैं उनके अध्यक्षों ने पहले ही निरंतर इस्तीफा राहुल जी के समर्थन में दिया है, क्योंकि ये जिम्मेवारी अकेले उनकी नहीं, हम लोग सब से पूरी पार्टी की सामूहिक जिम्मेवारी है कि इस चुनाव के अंदर जो नतीजे हम लोगों ने देखा। तो इसी संदर्भ में परसों AICC में मीटिंग भी हुई थी, उसमें 400-500 लोग विभिन्न पूरे हिंदुस्तान से आए हुए थे, हम लोग भी वहाँ मौजूद थे। तो हमने तो अपना इस्तीफा वहीं राहुल गांधी जी के समर्थन में वहीं दे दिया था। हम सब लोग राहुल जी को साथ हैं और हम सब की एक पुरजोर ये उनसे ये गुजारिश है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष के पद पे बने रहें, क्योंकि उनके नेतृत्व में पीछे 5 प्रदेशों में जो चुनाव हुए आपने देखा, कांग्रेस ने 3 प्रदेशों में चुनाव में जीत भी दर्ज करी और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ये शीला जी काफ़ी सीनियर लीडर हैं, उन्होंने अगर ब्लॉक प्रेजिडेंट को बुलाया तो शायद बहुत करीब हैं राहुल गांधी जी के, सोनिया जी के, शायद उनके सलाह मशवरे से हटाए हो, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी, अभी जो इलेक्शन पिछला गया है, ईस्ट दिल्ली की बात करूंगी, यहाँ के जो ब्लॉक प्रेजिडेंट हैं उन्होंने बहुत बहुत ईमानदारी से काम किया है, क्योंकि मैंने देखा है ब्लॉक प्रेजिडेंट को काम करने के लिए, पूरे मैं डिस्ट्रिक्ट में घूमी हूँ, जितने भी हमारे ब्लॉक प्रेजिडेंट ईस्ट दिल्ली के थे उन्होंने अच्छा काम किया है, बहुत सिंसियरली से किया है। पूरे हिंदुस्तान में ही कांग्रेस हारी है, चाहे बेईमानी से हारी, चाहे EM की वजह से हारी, हारी तो है। तो इल्ज़ाम देना ब्लॉक प्रेजिडेंट को मैं नहीं समझती ठीक है, ये मेरी पर्सनल राय है कि मैं नहीं समझती ठीक है। बाकी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं शीला जी और वो जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन एक एडवाइस करना चाहूँगी, क्योंकि मैं 40-45 साल की बहुत पुरानी कार्यकर्ता हूँ, ज़मीनी से जुड़ी हुई कार्यकर्ता हूँ, कि इस तरह से बयानबाजी ना दें चाकू जी और शीला जी, आपस में मिल के एक होकर जो भी करना है एक राय से करें, क्योंकि एक तो कांग्रेस हारने की वजह से वैसे ही लोगों के दिल टूटे हुए हैं कार्यकर्ताओं को, उनके हौसले बढ़ाने चाहिए, ना कि ऐसी बयानबाजी करके हौसले तोड़ने चाहिए। गर्मी तो हमेशा से ही पड़ती रही है, लेकिन इस बार की गर्मी लोगों को काफी परेशान कर रही है। पारा 42 से ऊपर पहुंच रहा है और लोगों को जला रहा है। इस भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग हर तरह के उपाय अपना रहे हैं, घर से बाहर लोग सिर ढककर निकल रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। गर्मी है लेकिन अब क्या है, जो शूट करने वो तो करने पड़ेंगे। अब हमको कुछ जाकना अपने आप को कुछ बढ़ाना है तो यार हमको गर्मी सर्दी तो कुछ नहीं देखने ना, हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो करना है ना, तो उसके लिए हमें बहुत कुछ करना है, मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे और करते रहेंगे। इस बार आई नहीं है ऐसा नहीं है, नहीं है आपको लगता है, अब आ रहे हैं, अब मानसून स्टार्ट होने वाला है या जैसा भी है, ये सारे तो चैनल मतलब आपको पता है वेदर चेंज होते ही रहते हैं कुछ भी करके, तो उसमें तो हमको मैनेज करना है कैसे भी करके। हम ज़्यादातर जो भी है छाँव में रहते हैं और लिक्विड ज़्यादा पीते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, और देखा जाए तो जो गर्मी है हमारे हिसाब से तो पेड़ों का कटाव जो होता है वो कटने की ज़्यादा की वजह से गर्मी बहुत बढ़ रही है इस समय। आप मायने रखते हैं, इतिहास है इसमें कि
इससे मैं 48 डिग्री बहुत मायने रखती है, आने वाले समय में और मायने रखेगी। गर्मी से काफ़ी दिक्कत है, सफोकेशन है, वेदर इतना हॉट है, बार बार पानी लेना पड़ रहा है और तो सफरिंग है और कुछ नहीं, दिक्कत काफ़ी है। तो आप मैंने काफ़ी ज़्यादा इस टाइम काफ़ी वेदर हॉट है, 45-44 टेम्परेचर चल रहा है, आप देख सकते हैं। ज़्यादातर वही ड्रिंक्स लिए जा रहे हैं, लिक्विड डाइट पर ही हैं हम और कुछ नहीं है। अब जो हमारे सबॉर्डिनेट हैं उनको जैसे अभी खाना करवाना पड़ता है तो उसमें वाटर बॉटल सप्लाई जूस ऐड करा है हमने। अधिक जानकारी के लिए आप पूर्वी दिल्ली की आप CCN10 को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आप ज़रूर CCN10 को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।